बलरामपुर में खाई में कार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। देहात कोतवाली इलाके में बारा से लौट रही एसयूवी अनियंत्रित होकर पुल के निकट अनियंत्रित खाई में गिर गई। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। थाना कोतवाली देहात में गोंडा रोड पर अभी आधा घंटा पहले लगभग एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, जिसकी वजह से उसमें जो 11 लोग सवार थे और बलरामपुर से हमारे सहयोगी अखिलेश्वर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश्वर, कार का हादसा हुआ है, कितने लोग सवार थे और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस हादसे को लेकर? दरअसल आपको हम बता दें कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र से गोंडा के इंडिया थोक थाना अंतर्गत गिलौला जा रही थी। इसमें एक ही परिवार के सभी लोग सवार थे और ये लोग एक शादी समारोह में शामिल होने बलरामपुर आए थे और यहाँ शादी अटेंड करके वापस घर की ओर जा रहे थे। तो अभी जल्दी नई बनी है, इसलिए स्पीड इन लोगों की ज्यादा थी और कुआना नदी का जो पुल है, पुल के लगभग 50 मीटर पहले गहरी खाई है, लगभग 50 फीट नीचे इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर, सामने से बता रहे हैं कि ट्रक आ गया और ट्रक की रोशनी पड़ने से ये अनियंत्रित हो गई और 50 फीट नीचे गहरी खाई में चली गई। कई बार गाड़ी पलटी, जिसके कारण उसमें जो लोग सवार थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और बाकी 8 लोग गंभीर घायल हुए, जिन्हें पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज वहां चल रहा था, 1 लोग ज्यादा गंभीर थे जिनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया रात में ही। अभी जो बाकी लोग हैं, लगभग 7 लोग यहाँ बलरामपुर में, उनकी स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी दुर्गेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।